हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक नया सब्जेक्ट लेकर आए हैं आपके सामने, कम्युनिकेशन सिस्टम। इस वीडियो में हमने केवल शॉर्ट नोट्स, जो कॉन्सेप्चुअल नोट्स है, वो हम प्रोवाइड करेंगे आपको। सब्जेक्ट काफ़ी बड़ा है और बहुत ही लेंदी भी रहेगा यहाँ पर, बट हमारी कोशिश है कि हम आपको कॉन्सेप्चुअल नोट्स प्रोवाइड करें, शॉर्ट नोट्स, ट्रिकी क्वेश्चन। इसका यूज आप अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं, तो एट द लास्ट मोमेंट आप इस वीडियो को देखकर पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम आप कवर कर सकते हैं, उसको रिकॉल कर सकते हैं। अभी हम पहले वीडियो में फूरियर ट्रांसफॉर्म तक हम टोटली कवर करने वाले हैं, उसके बाद दूसरे पार्ट्स में हम लेकर आएंगे आपको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, उसके बाद हम लेकर आएंगे आपका फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेस मॉड्यूलेशन। हम स्टार्ट करने वाले हैं, पहले बेसिक टर्मिनोलॉजीज की हम बात करेंगे जो हम यूज करते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम में, के बाद हम फोरियर ट्रांसफॉर्म की बात करेंगे, इसका यूज करके आप टाइम डोमेन को आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करें, हम इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करें। तो यहाँ पर बेसिक जो फंडामेंटल ब्लॉक डायग्राम है कम्युनिकेशन सिस्टम का, उसके जो मेन कॉम्पोनेंट्स है वो आपका एक ट्रांसमीटर है, एक चैनल है और एक रिसीवर है। ट्रांसमीटर क्या करेगा? ट्रांसमीटर आपको सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा, जस्ट कन्वर्ट करेगा इंफॉर्मेशन को किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। चैनल एक फिजिकल मीडियम प्रोवाइड करेगा, जो भी आपका कैरियर सिग्नल्स है या मैसेज सिग्नल्स है उसके लिए वो एक पाथ प्रोवाइड करेगा, इसके लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के लिए। देन रिसीवर का वर्क क्या रहेगा? रिसीवर आपके रिसीव करेगा सिग्नल्स को और कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ओरिजिनल इंफॉर्मेशन में। जो भी आपने मैसेज सिग्नल आपने ट्रांसमिट किया हुआ है, उस मैसेज सिग्नल को रिसीविंग एंड पर रिसीव करेगा। ओके, तो ये हमारे बेसिक ब्लॉक डायग्राम है आपका कम्युनिकेशन सिस्टम का, और मेन पार्ट्स आपके ट्रांसमीटर, चैनल, रिसीवर है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें टॉपिक की, तो मॉड्यूलेशन है। मॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ वेरिंग वन और मोर प्रॉपर्टीज ऑफ कैरियर सिग्नल्स। कैरियर सिग्नल्स जो मैसेज सिग्नल को सुपर इम्पोज करके रिसीविंग एंड तक ट्रांसमिट कर रहा है। ओके, तो मॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ वेरिंग वन और मोर प्रॉपर्टीज ऑफ कैरियर सिग्नल विद ए मॉड्यूलेशन सिग्नल। मॉड्यूलेशन सिग्नल ही आपको क्या है? मैसेज सिग्नल है। ओके, नीड फॉर मॉड्यूलेशन, so it is needed in order to match the characteristics of input signal to that of channel characteristics. Okay, अगर हम बात करें need for modulation में, तो पहला आपका रहेगा multiplexing is made possible due to modulation. Wireless transmission of low pass signal is made possible due to modulation. Some modulation techniques reduces the effect of noise on signal. Practically reliable antenna size can be achieved. तो दीज आर दी नीड फॉर मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट आपके बेसिक जो टर्मिनोलॉजी हम यहां पर यूज करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेसिक टर्मिनोलॉजीज के। तो मैसेज सिग्नल इज मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एंड इट मॉड्यूलेट्स कैरियर सिग्नल्स। इन मॉड्यूलेशन सम प्रॉपर्टीज ऑफ कैरियर सिग्नल आर वेरीड इन अकॉर्डिंग विद द मैसेज सिग्नल। कैरियर फ्रीक्वेंसीज इज मच हायर देन मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसीज। जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है, जो कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है, वो मच हायर देन है। अगर हम हर्ट्स की बात करें, किलो हर्ट्स की बात करें या मेगा हर्ट्स की बात करें, तो कैरियर फ्रीक्वेंसी आपकी मेगा हर्ट्स, गीगा हर्ट्स में भी हो सकती है। ओके, बेसिक टर्म्स टर्मिनोलॉजी जो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, बेस बैंड सिग्नल। तो बेस बैंड सिग्नल इज अ सिग्नल हैविंग सिग्निफिकेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट near to zero or low frequencies. Band pass signal is a signal having significant frequency component away from zero frequency or low frequency. Spectrum. Spectrum means frequency domain representation of a signal. Noise is a mainly added to signal in the channel. Last term se yahan par bandwidth. Bandwidth of a signal is defined as band of group of frequencies for which amplitude of signal is not zero. Next यहाँ पर जो टॉपिक है आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म है, हम बात करेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म की। यहाँ पर हम कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स की बात कर रहे हैं। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल इट्स प्रोवाइड ए फ्रीक्वेंसी डोमेन डिस्क्रिप्शन ऑफ टाइम डोमेन सिग्नल एंड इज एक्सटेंशन ऑफ फोरियर सीरीज टू नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स। अगर हम फोरियर सीरीज की बात करें, तो फोरियर सीरीज आपको एप्लीकेबल होता है ओनली फॉर द पीरियोडिक सिग्नल्स, बट फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको एप्लीकेबल होता है पीरियोडिक सिग्नल्स एज वेल एज नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स। ओके, तो
सपोज अगर हम यहाँ पर कोई फंक्शन लें एफ ऑफ टी, किसी सिग्नल्स को हम अगर रिप्रेजेंट करें एफ ऑफ टी से, आप एक्स ऑफ टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो एफ ऑफ ओमेगा इज अ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो क्या है आपका एफ ऑफ ओमेगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो आपके फॉर्म होंगे, एक तो ओमेगा फॉर्म होगा और एक होगा आपका एफ फॉर्म होगा। अभी यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला यूज किया हुआ है ये हमने ओमेगा फॉर्म का यूज किया हुआ है, और एक मिनट यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, ये एक्स है क्योंकि हमने यहाँ पर ये एफ हम यूज करेंगे क्योंकि हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी का जो यूज किया है वो एफ ऑफ ओमेगा यूज किया है। ठीक है, तो अगर हम एफ फॉर्म की बात करें, ओमेगा फॉर्म को तो यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है, एफ फॉर्म की अगर हम बात करें तो एफ फॉर्म के लिए क्या हो जाएगा आपका एफ ऑफ स्मॉल एफ इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी एक्सपोनेंशियल माइनस जे टू पाई एफ टी डी टी। सेम फॉर्मूला आएगा, यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है आपका टू पाई एफ होता है, क्या होता है आपका ओमेगा इक्वल टू टू पाई एफ। बट अगर हम इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म की बात करें तो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म के केस में क्या होगा, जब हम एफ फॉर्म की बात कर रहे हैं तो एफ ऑफ टी इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ स्मॉल एफ एक्सपोनेंशियल जे टू पाई एफ टी डी ऑफ एफ। ओके, तो अगर आप यहाँ पर कंपेयर करें तो केवल वन अपॉन टू पाई का डिफरेंस हो रहा है, और टू पाई का डिफरेंस क्यों हो रहा है, यहाँ पर हम ओमेगा इक्वल टू टू पाई एफ यूज करते हैं और यहाँ पर हमने ये टू पाई यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो ये बेसिक डिफरेंस है अगर हम ओमेगा फॉर्म की बात करें या एफ फॉर्म की बात करें। तो ये फॉर्मूला आपका एफ फॉर्म के लिए है और ये फॉर्मूला आपका ओमेगा फॉर्म के लिए है। अब कुछ कंडीशंस हैं यहाँ पर फोरियर ट्रांसफॉर्म की, जैसी फोरियर सीरीज की कंडीशंस होती हैं, यहाँ पर आपकी डी रिचलेट कंडीशंस है फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। ओके, तो फर्स्ट आपकी प्रॉपर्टीज है, कंडीशंस है आपकी, फोरियर ट्रांसफॉर्म इज डिफाइंड फॉर ऑल स्टेबल सिग्नल्स। फोरियर ट्रांसफॉर्म इज डिफाइंड फॉर ऑल स्टेबल सिग्नल्स, एंड स्टेबल सिग्नल्स की जो कंडीशंस होती है वो आपकी ये कंडीशन है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉड एफ ऑफ टी डी टी लेस देन इन्फिनिटी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आपकी है पीरियोडिक सिग्नल्स विच आर नेदर एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल नॉर स्क्वायर इंटीग्रेबल ओवर एन इनफाइनाइट इंटरवल कैन बी कंसीडर टू हैव फोरियर ट्रांसफॉर्म इफ इम्पल्स फंक्शन आर परमिटेड इन द ट्रांसफॉर्म। ओके, नेक्स्ट एफ ऑफ टी has a finite number of discontinuities and finite number of maxima and minima within any finite intervals. So, ये आपकी कुछ conditions हैं for existence of Fourier transform, Dirichlet conditions. Next, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं properties की, जो ये common properties है अगर हम Laplace transform की बात करें, Z transform की बात करें या Fourier transform की बात करें, और कहीं ना कहीं हम फोरियर सीरीज की भी बात करें तो वहां पर भी इस टाइप की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर हम फंक्शंस की बात करें, यहाँ पर एफ वन ऑफ टी एफ टू ऑफ टी आपकी क्या है, एक फर्स्ट फंक्शन है फर्स्ट सिग्नल है और एफ टू ऑफ टी आपका दूसरा सिग्नल है। तो लिनियरिटी प्रॉपर्टीज का जो रहेगा टाइम डोमेन में एफ फॉर्म में और ओमेगा फॉर्म में हमने यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है। तो लिनियरिटी प्रॉपर्टीज फर्स्ट अगर आप बात करें लिनियरिटी प्रॉपर्टीज की, तो ए एफ वन ऑफ टी प्लस बी एफ टू ऑफ टी इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा एफ फॉर्म में, ए कैपिटल एफ वन ऑफ एफ प्लस बी एफ टू ऑफ एफ, एंड अगर हम ओमेगा फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर ओमेगा आ जाएगा। ओके, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि यहाँ पर हम केवल शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करने वाले हैं, ट्रिकी नोट्स कॉन्सेप्चुअल ही हम प्रोवाइड करने वाले हैं, फॉर्मूला बेस्ड फॉर्मूला ही प्रोवाइड करने वाले हैं, ताकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एट द लास्ट मोमेंट्स अगर आपको रिकॉल करना है रिमेम्बर करनी है सारी चीजें, तो आप इस वीडियो में वीडियो को क्विक टाइम पर मीन शॉर्ट टाइम पे शॉर्ट ड्यूरेशन पे आप देखकर आप जस्ट रिकॉल कर सकते हैं ऑल दी थिंग्स। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है आपकी टाइम स्केलिंग। तो यहाँ पर अगर आप बात करें टाइम जो आपकी स्केलिंग यहाँ पर आएगी टाइम डोमेन में अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो फ्रिक्वेंसी डोमेन में क्या हो जाएगा आपका उसी सिग्नल से हम डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर। ओके, अगर यहाँ पर ये सिग्नल टाइम डोमेन में कंप्रेस्ड हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या हो जाएगा उसका एक्सपेंशन हो जाएगा। ओके, टाइम रिवर्सल एफ ऑफ माइनस टी, तो ये आपका एफ फॉर्म में है और आपका ये ओमेगा फॉर्म में है। टाइम शिफ्टिंग एफ ऑफ टी प्लस माइनस टी नॉट, सो एक्सपोनेंशियल प्लस माइनस जे टू पाई एफ टी नॉट
एफ ऑफ एफ, ओके। तो ये आपकी टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज हो गई एफ फॉर्म में, एंड ये आपकी ओमेगा फॉर्म में। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग, तो एफ ऑफ टी एक्सपोनेंशियल प्लस माइनस जे ओमेगा नॉट टी, तो एफ ऑफ एफ माइनस प्लस। यहाँ पर थोड़ा सा आप चेंज कंपेयर अगर करें टाइम शिफ्टिंग और फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग में, जब हम टाइम शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर प्लस माइनस आ रहा है, मीन्स यहाँ पर अगर प्लस है टाइम डोमेन में तो यहाँ पर भी पहले प्लस आएगा। फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग की बात करें तो यहाँ पर पहले अगर प्लस है तो यहाँ पर पहले क्या आ रहा है आपका माइनस आ रहा है। ये ट्रिक है यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन इन टाइम डोमेन। तो डी एफ ऑफ टी अपॉन डी टी, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा आपका जे टू पाई एफ एफ ऑफ एफ, ओके। एंड ओमेगा फॉर्म में जे ओमेगा एफ ऑफ ओमेगा। फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन, तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन की अगर हम बात करें माइनस जे टू पाई टी एफ ऑफ टी, तो डी अपॉन डी ऑफ एफ, एंड ये आपका ओमेगा डोमेन्स में होगा। कन्वोल्यूशन इन टाइम, सो यहाँ पर अगर हम बात करें एफ ऑफ टी एक सिग्नल से है, जी ऑफ टी भी दूसरा सिग्नल से है, तो एफ ऑफ टी कंजुगेशन विद जी ऑफ टी, तो अगर टाइम डोमेन में कंजुगेशन हो रहा है, सॉरी टाइम डोमेन में अगर आपको कन्वोल्यूशन हो रहा है, कंजुगेशन बार बार रिपीट कर रहा हूँ आपको, कंजुगेशन आपका इस टाइप से होता है कि अगर आपको कोई फंक्शन एफ टी है इसका जो कंजुगेशन होगा वो क्या होगा एफ कंजुगेशन टी इस टाइप से। बट यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, कन्वोल्यूशन की बात करें, कन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन, ओके। तो अगर टाइम डोमेन में कन्वोल्यूशन हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में दोनों सिग्नल्स का क्या हो जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लायर हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ सिग्नल्स, ओके। तो ये आपका एफ फॉर्म में हो गया, ये आपका ओमेगा फॉर्म में। फ्रीक्वेंसी कन्वोल्यूशन, तो फ्रीक्वेंसी कन्वोल्यूशन की अगर हम बात करें तो टाइम डोमेन में अगर वहां पर सिग्नल्स का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिग्नल्स क्या हो जाएंगे वहां पर कन्वर्ट हो जाएंगे, ओके। ओके, तो ये आपका एफ फॉर्म में है, ये आपका ओमेगा फॉर्म में। ओमेगा फॉर्म में हमेशा 2/2 पाई से डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर। इंटीग्रेशन प्रॉपर्टीज, तो इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू टी एफ टॉ डी टॉ, तो यहाँ पर ये एफ फॉर्म में आ जाएगा और ये आपका ओमेगा फॉर्म में, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है आपकी पार्सिवल थ्योरम, तो पार्सिवल थ्योरम ये इस टाइप से दिया हुआ है यहाँ पर। कंजुगेशन, ये मैंने ऑलरेडी पहले बताया था कि कंजुगेशन कोई सिग्नल्स है तो उसका जो कंजुगेशन आएगा जस्ट हम वहाँ पर ऊपर पावर के टाइम पे जैसे हम पावर लिखते हैं वहाँ पर यहाँ पर स्टार लगा देंगे और स्टार ही रिप्रेजेंट करेगा किसको कंजुगेशन को, ओके। तो यहाँ पर हम बात करें कंजुगेशन की फोरियर ट्रांसफॉर्म की, तो ये आपकी कंजुगेशन फोरियर ट्रांसफॉर्म है। नेक्स्ट आपका ड्यूलिटी प्रॉपर्टीज, मीन्स अगर कोई सिग्नल है आपका टाइम डोमेन में एफ ऑफ टी तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो गया आपका एफ ऑफ एफ। तो एफ ऑफ स्मॉल टी मीन्स जो आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला है उसका डोमेन आपका टाइम में हो गया, और यहाँ पर देन उसका अगर आप फोरियर ट्रांसफॉर्म करें, ये अगर आप फोरियर ट्रांसफॉर्म करें तो माइनस एफ मीन्स जो आपका फंक्शन था टाइम डोमेन में और जो मेन यहाँ पर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसीज में एज इट इज। यहाँ पर अगर हम बात करें ओमेगा फॉर्म की तो यहाँ पर भी रहेगा ऐसे, ओके। तो ये आपकी क्या है ड्यूलिटी प्रॉपर्टीज है। यहाँ पर हमने लिखा है कि एफ ऑफ टी आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जो कैपिटल एफ ऑफ एफ है ये वो आपका क्या है फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी है। मीन्स हम बात करें फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी क्या आएगा आपका एफ ऑफ एफ, और अगर हम ओमेगा फॉर्म की बात करें तो एफ ऑफ ओमेगा, ओके। सिमिलर फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ टी की अगर हम बात करें ये होगा आपका जी ऑफ एफ। देखिए यहाँ पर मैंने एरो का साइन लगाया हुआ है, एरो का साइन रिप्रेजेंट कर रहा है ये इस साइड वाला एरो रिप्रेजेंट कर रहा है फोरियर ट्रांसफॉर्म, और इस साइड का जो एरो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, ओके, और जी ऑफ ओमेगा। नेक्स्ट जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका सिग्नल है। तो बेसिकली सिग्नल इज व्हाट, सिग्नल इज कैन बी डिफाइंड एज अ फंक्शन ऑफ वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स व्हिच कन्वेस इंफॉर्मेशन अबाउट द बिहेवियर और नेचर ऑफ सम फिनोमिना। ये बेसिक डेफिनेशन है आपकी सिग्नल्स की, या अगर हम बात करें फंक्शंस की, तो इट इज अ फंक्शन ऑफ वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच कन्वेज इंफॉर्मेशन अबाउट द बिहेवियर और नेचर ऑफ सम फिनोमिना। तो अगर हम सबसे पहले बात करें एलिमेंट्री सिग्नल्स की, तो कुछ आपके एलिमेंट्री सिग्नल्स हैं जैसे आपका यूनिट स्टेप फंक्शन है। अब यहाँ पर हम कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट डोमेन में दोनों की बात कर लेंगे। तो u ऑफ t इक्वल टू 1 फॉर t ग्रेटर देन 0 एंड 0 फॉर t लेस देन 0। तो ये यहाँ पर ये फंक्शन रहेगा आपका यूनिट स्टेप का
कंटिन्यूअस के लिए, और ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन फॉर कंटिन्यूअस टाइम, एंड फॉर डिस्क्रीट टाइम, डिस्क्रीट टाइम्स के लिए आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, और ये आपका फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन है. यू ऑफ एन इक्वल टू वन फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एंड जीरो इज फॉर दी एन लेस देन जीरो. ओके, नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम बात करें यूनिट स्टेप फंक्शन की, तो यूनिट स्टेप फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट टी इक्वल टू जीरो. बहुत सी बुक्स में आपको इस टाइप से भी मिल जाएगा वहां पर कि u ऑफ t इक्वल टू वन फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड जीरो इज फॉर t लेस देन जीरो. इस टाइप से मिल जाएगा, ये भी ऑप्शंस आपके हो सकते हैं. बट अगर आपके एग्जाम में ये ऑप्शंस दिया हुआ है, ओके, इस टाइप्स का अगर आपको ऑप्शन दिया हुआ है, या अगर हम बात करें कुछ ऑप्शंस आपका इस टाइप से दिया हो कि u ऑफ t इक्वल टू वन t ग्रेटर देन जीरो एंड वन बाई टू फॉर t इक्वल टू जीरो एंड वन फॉर लेस देन t इक्वल टू जीरो, तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो कौन सा होगा, वो ये वाला आंसर होगा. ओके, अगर ये आंसर वहां पर ऑब्जेक्टिव्स में क्वेश्चंस में गिवन नहीं है, उस कंडीशंस में आप इसको टिक कर सकते हैं अगर आपका ये गिवन है, और अगर ये भी नहीं गिवन है और ये भी नहीं गिवन है, देन उस कंडीशंस में फिर आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं, जबकि ये क्या है आपका रॉन्ग होता है, बिकॉज यूनिट स्टेप फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट टी इक्वल टू जीरो. यहाँ पर भी अगर आप देखें यहाँ से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, और इसको आप सॉल्व करें, यहाँ पर हम सॉल्व करने की नहीं करने वाले हैं क्योंकि हम शॉर्ट नोट्स ही प्रोवाइड कर रहे हैं केवल. तो मैथमेटिकल यू ऑफ जीरो इक्वल टू वन बाई टू एवरेज वैल्यू, ये आपकी क्या है एवरेज वैल्यू, किसके लिए टी इक्वल टू जीरो के लिए, इसीलिए हमने ये कंडीशंस लिखी है. नेक्स्ट एलिमेंट्री सिग्नल है आपको यहाँ पर यूनिट इम्पल्स फंक्शन की हम बात करेंगे कंटिन्यूअस टाइम में. तो डेल ऑफ टी इक्वल टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट ये आपका एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, टी इक्वल टू जीरो एंड जीरो फॉर t does not equal to zero, तो ये आपको क्या है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. ओके, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इम्पल्स फंक्शन. इम्पल्स फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन एंड द एरिया अंडर दिस फंक्शन इज इक्वल टू वन. मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ये इसकी, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी डेल ऑफ t dt इक्वल टू वन. अगर हम बात करें यहाँ पर एक डेरिवेशन भी होता है, स्मॉल डेरिवेशन भी रहता है, तो अगर हम ये इस टाइप से बात करेंगे, यहाँ पर एक फंक्शन है और ये इसकी जो क्या होती है ये विड्थ होती है, जैसे ही अगर आप इसकी विड्थ को टेंस टू, ये जो आपकी विड्थ है टेंस टू आप क्या करें जीरो करेंगे, तो ये इसकी जो हाइट होगी वो क्या होगी टेंस टू इनफाइनाइट हो जाएगी. तो इस टाइप से एक इसका डेरिवेशन भी है. तो अगर हम बट यहाँ पर क्या होगा, एरिया तो आपका चेंज होगा नहीं, एरिया आपका चेंज नहीं होगा, एरिया तो यहाँ पर क्या रहेगा आपका, जैसे ये टेंस टू जीरो जाएगा तो ये टेंस टू इनफाइनाइट जाएगा, बट एरिया नहीं चेंज होगा. इसलिए इम्पल्स फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन एंड द एरिया अंडर दिस फंक्शन इज इक्वल टू वन, क्योंकि एरिया तो आपका सेम ही रहेगा. अगर आप यहाँ पर बात करें ये डेल है, और यहाँ पर अगर आप इसकी बात करें वन बाई डेल की बात करें, तो इस टाइप से क्या होगा डेल अगर आपने जीरो किया तो वन बाई जीरो होगा, तो ये क्या जाएगा आपका इनफाइनाइट हो जाएगा. ओके, और डेल इंटू वन बाई डेल की अगर आप बात करें तो एरिया क्या आ जाएगा आपका वन आ जाएगा. ओके, टाइम रिवर्सल, तो ये आपकी टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी डेल ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू डेल ऑफ टी. तो इससे आपको क्लियर भी है कि जो डेल फंक्शन होता है, जो इम्पल्स फंक्शन है, वो आपका क्या है इवेंट फंक्शन है. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी स्केलिंग प्रॉपर्टी डेल ऑफ ए टी. स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर आप स्केलिंग की बात करें, टाइम में अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो फ्रिक्वेंसी में क्या होगा वहां पर डिवाइड होगा, बट यहाँ पर फ्रीक्वेंसी नहीं है, यहाँ पर उसी फंक्शन की हम बात करें, तो ये आपकी डेल की प्रॉपर्टीज है, इम्पल्स फंक्शन की प्रॉपर्टीज है कि डेल ऑफ ए टी इक्वल टू वन अपॉन मॉड ए डेल ऑफ टी फॉर ई डज नॉट इक्वल टू जीरो. और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसमें प्रोडक्ट प्रॉपर्टी. तो अगर आप टाइम शिफ्टिंग, जो इम्पल्स फंक्शन है उसके अगर टाइम शिफ्टिंग के साथ में किसी सिग्नल को मल्टीप्लाई करें, तो वो जिस टाइम से आप शिफ्ट कर रहे हैं उस टाइम के साथ में जो फंक्शन भी आपका क्या हो जाएगा शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है, वेयर टी नॉट इज टाइम शिफ्ट. सैम्पलिंग प्रॉपर्टीज, इंटीग्रेशन टी वन टी टू एक्स ऑफ टी डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट इक्वल टू एक्स ऑफ टी नॉट फॉर द इंटरवल्स टी वन लेस देन टी नॉट लेस देन टी टू. ओके, एंड लास्ट प्रॉपर्टीज आपके डेल्टा फंक्शन ऑफ एक्स,
तो डेल ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू समेशन आई डेल ऑफ एक्स माइनस एक्स आई अपॉन मॉड जी डैश ऑफ एक्स आई वेयर एक्स आई आर द रूट ऑफ जी ऑफ एक्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल डेल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन टू मॉड ए डेल ऑफ एक्स प्लस ए प्लस डेल ऑफ एक्स माइनस ए. नाउ रिलेशनशिप बिटवीन द यूनिट इम्पल्स एंड द यूनिट स्टेप. तो यहाँ पर अगर हम बात करें यूनिट स्टेप और इसकी बात करें तो ये जस्ट केवल आपका ये इस टाइप का रिलेशन रहेगा कि अगर कोई यूनिट स्टेप फंक्शन आपके पास दिया उसको आप डिफ्रेंशिएट कर दें तो आपका डेल फंक्शन आ जाएगा. ओके, इम्पल्स से अगर हम बात करें ये आपका यूनिट स्टेप फंक्शन दिया हुआ है, ये आपका यूनिट स्टेप फंक्शन है इस टाइप से. ओके, तो अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका इम्पल्स फंक्शन आ जाएंगे. ओके, एंड अगर आप यहाँ पर इम्पल्स आपके पास गिवन है, इम्पल्स का अगर आप इंटीग्रेशन करें तो आपको यूनिट स्टेप फंक्शन मिल जाएगा. फॉर डिस्क्रीट टाइम्स की अगर हम बात करें तो डेल ऑफ एन इक्वल टू वन फॉर एन इक्वल टू जीरो एंड जीरो फॉर एन डज नॉट इक्वल टू जीरो. ये हमारा था किसके लिए, इम्पल्स के लिए. अभी हमने ये पूरी जो प्रॉपर्टीज वगैरह यहाँ पर कवर किया है ये हम कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स के लिए, जो कंटिन्यूस इम्पल्स फंक्शन है उसके लिए कवर किया है. नेक्स्ट आपका फॉर डिस्क्रीट टाइम्स के लिए, एंड डिस्क्रीट के लिए भी कुछ प्रॉपर्टीज है. ये डिस्क्रीट टाइम यूनिट इम्पल्स इज द फर्स्ट डिफरेंस ऑफ द डिस्क्रीट टाइम यूनिट स्टेप. यहाँ पर देख लीजिए आप डिफरेंस की हम बात करें, डिफरेंशिएशन बोलते हैं हम यहाँ पर कंटिन्यूस डोमेन में, और डिस्क्रीट डोमेन में हम डिफरेंशिएशन को ही डिफरेंस बोलते हैं. ओके, तो ये रिलेशन यहाँ पर दिया हुआ है, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं. ये हमने कंटिन्यूस डोमेन की बात की, यहाँ पर हमने डिस्क्रीट डोमेन की बात की. नाउ सैम्पलिंग प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो ये आपकी टाइम कंटिन्यूस डोमेन में है और ये आपकी डिस्क्रीट डोमेन में. नाउ रेक्टेंगुलर और गेट फंक्शन, तो रेक्ट ई अपॉन कैपिटल टी सॉरी ये यहाँ पर हमने गेट फंक्शंस की बात की है, ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. टाइम पीरियड यहाँ पर आपका क्या रहेगा, कैपिटल टी टाइम पीरियड है और जो इसका इंटरवल्स है माइनस टी बाई टू टू टी बाई टू. ओके, नेक्स्ट आपका यूनिट रैंप फंक्शन, सॉरी थोड़ा सा गला सूख रहा है, थोड़ा सा एक मिनट आप वेट करिए, पानी पीकर आता हूँ. चलिए बात करते हैं रेक्टेंगुलर और गेट फंक्शन. तो आपके सामने यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, टाइम पीरियड कैपिटल टी रहेगा, जो इंटरवल से रेक्ट फंक्शन का वो माइनस टी बाई टू से कैपिटल टी बाई टू है. ओके, और एम्पलीट्यूड क्या रहेगा आपका, वन रहेगा यहाँ पर. नाउ नेक्स्ट आपका यूनिट रैंप फंक्शन, तो आर ऑफ टी से हम रिप्रेजेंट करेंगे रैंप फंक्शन को. तो रैंप फंक्शन इज इक्वल टू टी फॉर टी ग्रेटर देन जीरो एंड जीरो फॉर टी लेस देन जीरो. ओके, तो डी अपॉन डी टी आर ऑफ टी यू ऑफ टी. अगेन यहाँ पर अगर आप यू ऑफ आर ऑफ टी गिवन है, आपका रैंप फंक्शन गिवन है और उसका अगर आप डिफ्रेंसिएशन करें तो आपको इम्पल्स फंक्शन मिल जाएगा, और अगर आप इम्पल्स फंक्शन का इंटीग्रेशन करें तो आपको रैंप फंक्शन मिल जाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट आपका सिग्नम फंक्शन. सिग्नम फंक्शन को हम एस जी एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो सिग्नम फंक्शन इक्वल टू टू यू ऑफ टी माइनस वन, ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. यू ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू वन माइनस यू टी. सिग्नम फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट टी इज इक्वल टू जीरो and is chosen as 0 at t equal to 0. Okay? Next आपका sinc function and sinc square function. So these sinc and sinc square function are defined in terms of an independent variable lambda. So sinc lambda is equal to sin pi lambda upon pi lambda and sinc lambda is equal to the sinc lambda is equal to 0. For lambda is equal to plus minus n, n does not equal to 0, n an integer. Okay, next property is aapki, next jo function hai aapka, sine integral function. So sine integral function is an odd function. Isko hum sampling se bhi represent kar sakte hain. Yahan par hum isko sampling y se represent kar rahe hain. So integration of 0 to y, sine alpha upon alpha d alpha, ye yahan par function rahega. एंड इसको फंक्शंस को हम अगेन इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो हम सैम्पलिंग फंक्शंस के हम फाइन वैल्यूज रहेगी वो आपकी ये वैल्यूज है यहाँ पर. ओके, सैम्पलिंग फंक्शन कन्वर्ज फास्ट एंड ओनली ए
few terms in above equations are needed for a good approximation. तो हमने इस वीडियो में फोरियर ट्रांसफॉर्म कवर किया हुआ है, सिग्नल्स एंड उसकी जो एलिमेंट्री सिग्नल्स है हमने वो कवर किया है, प्रॉपर्टीज हमने कवर कर लिया है, बेसिक टर्मिनोलॉजी, मॉड्यूलेशन, नीड फॉर मॉड्यूलेशन ये कवर कर लिया है. अब हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ जो बेसिक फोरियर ट्रांसफॉर्म के जो सिग्नल्स हैं, हम उन सिग्नल्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना. तो नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ यूजफुल सिग्नल्स की हम बात कर रहे हैं. पूरी ये टेबल हमने यहाँ पर बना रखी है, जो 12 सिग्नल्स हमने यहाँ पर कवर किए हुए हैं, और भी ज़्यादा हैं, आपको वो भी मिल सकते हैं. और इसमें फर्स्ट आपका एक्सपोनेंशियल -80 यू ऑफ टी वेयर ए ग्रेटर देन 0. तो इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा, यहाँ पर हमने एफ डोमेन की भी बात की और हमने ओमेगा फॉर्म की भी बात की है. तो अगर हम एफ फॉर्म की बात करें तो 1/a + j2π f, एंड ओमेगा फॉर्म की बात करें तो 1/a + j ओमेगा. नेक्स्ट आपके यहाँ पर ये बोथ साइड, ये अभी हमने पॉजिटिव साइड की बात की है, ये हमने नेगेटिव साइड की बात की है. तो एक्सपोनेंशियल 80 यू ऑफ -t ए ग्रेटर देन 0, तो एफ फॉर्म की बात करेंगे तो 1/a - j2π f, एंड ओमेगा फॉर्म में 1/a - j ओमेगा. ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर आपका डेल ऑफ टी, इसका एफ फॉर्म में 1 रहेगा और ओमेगा फॉर्म में भी सेम रहेगा 1. नेक्स्ट आपका ए कॉन्स्टेंट्स का अगर आप फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करें, ए डेल ऑफ एफ एंड ओमेगा फॉर्म में हो जाएगा यहाँ पर 2πa ∇ ω. ओके, नाउ ए डायरेक्ट टी ऑफ टी अगर हम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करें, सो 80 सिंक एफ टी ओमेगा डोमेन्स में हो जाएगा 80 सिंक ओमेगा टी बाई 2. ओके, नेक्स्ट यहाँ पर रहेगा एक्सपोनेंशियल -a mod t, ये आपका बोथ साइड के लिए रहेगा आपका. अगर हम यहाँ पर बात करें एक्सपोनेंशियली, ये आपका वन साइडेड हो गया, और इसकी अगर हम बात करें तो ये आपका सेकेंड हो गया, और अगर हम बोथ साइडेड की केस की बात करें तो कुछ आपका इस टाइप से रहेगा. ठीक है, ये आपका एक्सपोनेंशियली सिग्नल्स है, ये इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म रहेगा, ये आपका टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन में टाइम डोमेन. ओके, पॉजिटिव साइकिल एंड पॉजिटिव साइड एंड नेगेटिव साइड, ये आपका फॉर बोथ साइड. एक्सपोनेंशियल -80 स्क्वायर, तो इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म रहेगा एफ डोमेन में आपका ये है, और ओमेगा डोमेन्स में ये रहेगा. सिग्नम फंक्शंस की अगर हम बात करें, तो सिग्नम फंक्शन का जो एफ डोमेन में फोरियर ट्रांसफॉर्म है 1/j π f, और ये आपका रहेगा ओमेगा डोमेन में 2/j ω. अगर हम यूनिट स्टेप फंक्शन की बात करें, तो उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म रहेगा 1/j2π f + 0.5 ∇ ω f, ये आपका एफ फॉर्म में 1/j ω + π ∇ ω, ये आपका ओमेगा फॉर्म में. ओके, नेक्स्ट आपको यहाँ पर कोसाइन फंक्शंस की बात करें, तो कोसाइन फंक्शन का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है एफ फॉर्म में ∇ ω f - f0 + ∇ ω f + f0/2, एंड ओमेगा फॉर्म्स की बात करें तो π ∇ ω - ω0 + ∇ ω + ω0. साइन फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म रहेगा आपका यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर इससे रिप्रेजेंट कर दूँ यहाँ पर, ये तो इक्वली रहेगा, ये आपका ओमेगा फॉर्म है, ये आपका एफ फॉर्म, तो ∇ ω f - f0 - ∇ ω f + f0/2j, और ओमेगा फॉर्म में रहेगा π/j ∇ ω - ω0 - ∇ ω + ω0. नेक्स्ट आप यहाँ पर t^n एक्सपोनेंशियल -a t u of t, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आपका इसका ये आपका एफ फॉर्म में रहेगा, और यहाँ पर ये आपका ओमेगा फॉर्म में रहेगा. ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ये मींस मॉड्यूलेशन टेक्निक्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो SSB सिग्नल्स रहेगा आपका सिंगल साइड बैंड्स, वहाँ पर ये यूज होने वाला है आपका हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म. तो ये भी आपका एक ट्रांसफॉर्म है, H(x)t आपका क्या है, x(t) इज एक सिग्नल हमने लिया हुआ है, फंक्शन लिया हुआ है, तो ये आपका कॉन्वोल्यूशन है विद द 1/π t. ओके, हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म प्रोवाइड्स अ फेज शिफ्ट ऑफ -90° टू ऑल सिग्नल्स, एंड सिग्नल्स एंड इट्स हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म हैव सेम एनर्जी स्पेक्ट्रम एंड डेंसिटी और पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी एंड ऑटो कोरिलेशन. ये हमेशा याद रखिएगा, जो सिग्नल्स एंड जो इसका हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म है, दोनों का इलेक्ट्रिक एनर्जी स्पेक्ट्रम डेंसिटी, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी और ऑटो कोरिलेशन, सभी क्या होगा आपका सेम रहेगा. इम्पल्स रेस्पॉन्स ऑफ, अगर हम इम्पल्स रेस्पॉन्स फाइंड आउट करें, तो इम्पल्स रेस्पॉन्स क्या रहेगा इसका, H(t)=1/π t, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा आपका 1/π t, क्या है किसका है आपका, सिग्नम फंक्शन से रिलेशन है कुछ ना कुछ. तो अगर हम इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये आपका इम्पल्स रेस्पॉन्स है, और ये अगर इसका हम फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करें, तो ये क्या हो जाएगा आपका -j sgn ω.
ओके, और ये इसका फंक्शन हो जाएगा। ओके, इसका अगर हम इनवर्स करें तो इनवर्स क्या हो जाएगा, वन अपॉन पाई टी। कुछ यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, अगर मैं यहाँ पर बात करूं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको हमेशा आप कीप इन माइंड रखिएगा जब भी अगर आप फोरियर ट्रांसफॉर्म या एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की आप बात करें, मॉड्यूलेशन टेक्निक्स या कम्युनिकेशन सिस्टम्स की बात करें, वहाँ पर आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म जरूर निकालना रहेगा सिग्नल्स का। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ए रियल सिग्नल इज ऑलवेज इवन कंजुगेट इन नेचर। फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ए रियल एंड इवन सिग्नल इज प्योरली रियल एंड इवन। फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ रियल एंड ऑड सिग्नल इज प्योरली इमेजिनरी एंड ऑड। शिफ्टिंग इन टाइम डोमेन ओनली चेंजेस द फेज स्पेक्ट्रम ऑफ सिग्नल्स। कंप्रेशन इन टाइम डोमेन लीड्स टू एक्सटेंशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन एंड वाइस वर्सा। टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टीज इज ओनली वैलिड फॉर एफ ऑफ टी टेंस टू जीरो एज मॉड टी टेंस टू इन्फिनिटी। मॉड एफ ऑफ ओमेगा स्क्वायर इज एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ सिग्नल फॉर एनर्जी सिग्नल एंड कोरिलेशन। कोरिलेशन इज अ मेजर ऑफ रिलेशन बिटवीन द टू सिग्नल्स। ओके, ये आपका कोरिलेशन रहेगा टू सिग्नल्स के बीच में इस टाइप से। और नेक्स्ट आपका रहेगा ऑटो कोरिलेशन फंक्शन फॉर एनर्जी सिग्नल्स एंड फॉर पावर सिग्नल्स के लिए, यहाँ पर ऑलरेडी फॉर्मूला गिवन है। एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ऑटो कोरिलेशन की प्रॉपर्टीज है आपकी, ये प्रॉपर्टीज है ऑटो कोरिलेशन फंक्शन इज इवन, तो ये कंडीशंस रहेगी। आर ऑटो कोरिलेशन फंक्शन यहाँ पर जीरो है इज ग्रेटर देन, इससे रहेगा ऑटो कोरिलेशन फंक्शन टॉप एनर्जी सिग्नल्स, ये आपके एनर्जी सिग्नल्स के लिए हो गए, ये आपका पावर सिग्नल्स के लिए हो गए। यहाँ पर आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म के ईएसडी एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी एंड पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटीज की प्रॉपर्टीज भी गिवन है। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये एज इट इज ऑब्जेक्टिव्स में भी, जो अगर आप कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की बात करें तो समटाइम्स अगर आप प्रीवियस ईयर गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखें 2002, 2004, 2005, 2006 में, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही पुट अप हुआ है स्टार्टिंग में। ओके, एंड देन उसके बाद जो भी वन मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं, अगर हम केवीएस की बात करें वहां पर भी ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही पुट अप हो जाते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक रहेगा, लास्ट प्रॉपर्टीज है इस वीडियो की, वो आपको ये है द ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ऑफ ए बाइनरी रेक्टेंगुलर रैंडम पल्स ट्रेन एक्स ऑफ टी इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ए एन टी टी माइनस एन टी प्लस टी नॉट where en dash n are the independent variable with values plus minus 1 equals probabilities. T naught is a time offset uniformly distributed between plus minus t by 2 and p of t is a pulse with amplitude a and with t is given by autocorrelation function a square 1 minus mod tau upon t where tau less than equal to t, okay? तो ये आपकी ऑटो कोरिलेशन की लास्ट प्रॉपर्टीज है। इस वीडियो में हमने इतना कवर कर लिया, नेक्स्ट वीडियो में हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन स्टार्ट करने वाले हैं। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एंगल मॉड्यूलेशन एंड एंगल मॉड्यूलेशन में हम कवर करेंगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेस मॉड्यूलेशन। तो आप लोग कंटिन्यू वॉच करते रहिए हमारे वीडियो को, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ओके? और कोई अगर सजेशन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।